गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे और आज सुबह मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं बालों में ऑयल लगा लूंगी, उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट करूंगी। वरना क्या होता है कि बाकी के काम में लग जाइए और फिर ऑयलिंग करना भूल जाऊंगी, फिर मुश्किल से शायद मेरे से आधे घंटे पहले याद आएगा कि ऑयल लगाना है, उसका तो कोई फायदा है नहीं। एटलीस्ट नहीं भी तो 3-4 घंटे तो बालों में रहना चाहिए। ऑयलिंग तो हो गई है, बोलती हूँ अंगद को वो भी अपना ऑयलिंग कर ले, उसको भी अगर शैम्पू करना है तो अच्छा रहेगा। अंगद तो बिल्कुल भी ऑयलिंग करना याद नहीं रखते, मैं तो फिर भी हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ, घर पे रहती हूँ तो याद आ ही जाता है। और जब से इस वीक में स्पेशली उसको ऑफिस था तो बिल्कुल भी याद नहीं आया। आज मैं सोच रही हूँ उसका हेयर कट कर दूं, लेकिन मान नहीं रहा है, मतलब कह रहा है नहीं कटवाऊंगा, लेकिन कोशिश करती हूँ, अगर मान जाए तो अच्छा है, नहीं माने तो कोई नहीं, 2 हफ्ता और चल जाएगा। पर फिर ना बहुत ही बड़े हो जाते हैं ना, यहाँ पे उसके आंखों में आता है, उसका बाल जो है वो सिल्की हेयर है तो वो हमेशा आंखों पे आने लग जाता है, तो अभी भी यहाँ तक आ रहा है। गर्मी में ना वहां पे फिर पसीने होते हैं, फिर थोड़े थोड़े ना उसको यहाँ पे दाने हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ काट लेती हूँ बाल तुम्हारा, पर मान नहीं रहा, देखते हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में? फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट, इसके लिए 2 एग लगेंगे और क्या लगेंगे? yes. जी, और एक कुक लगेगा और नमक लगेगा, पेपर, ब्रेड, प्याज, प्याज और थोड़ा सा जब बन जाए उसके ऊपर चाट मसाला तो हाँ, मजा आ जाता है। लकड़ी वाले भी धुएं में अब डाल देती हूँ और इसको कुछ भी नहीं होता है। वैसे वुड का स्पैचुलास वगैरह डालना मना है, लेकिन मैं तो डालती आ रही हूँ बहुत टाइम से और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पता नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी है या चल जाता है, जो भी, ये वाला जो ऑयल का कंटेनर था ना, इन दोनों को एक साथ में ही ये खाली हो गया था, दोनों को साथ में वॉश कर लिया और ये ना बहुत अच्छे से वॉश हो जा रहा है। वरना ना इसका मुंह इतना छोटा है ना, ये आगे वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से वॉश करने के लिए वो ब्रश वाला डालना पड़ता था जिससे बॉटल साफ करते हैं, और अच्छे से साफ भी नहीं होता था, पर डिशवॉशर की वजह से ये चकाचक क्लीन हो जाता है। जो स्ट्रॉ है ये भी मैं इसी में वॉश कर लेती हूँ, वरना इसके साथ में एक ब्रश फ्री आया था, पर कौन ही करे, आराम से ये भी डिशवॉशर में वॉश हो जाता। जितनी भी चीजें हैं जिसका ये आगे का पोर्शन छोटा है, वॉश करने में दिक्कत आती हो, उसको मैं इसमें आराम से डाल देती हूँ। कप के लिए बहुत क्वेश्चन आता है कि हमने कहाँ से लिया था, तो हमने ये ना सैब इंडिया से लिया था और ये सेट ऑफ 2 में आता है, और इसके साथ में ना ये वाला सॉसर भी आता है इस तरीके से, बहुत ही यूनिक लगा। और पता है ये इतना अच्छे क्वालिटी का है ना कि इसके ऊपर जो आप ये ग्लेज देख रहे हो ना, बहुत अच्छा सा ग्लेज आता है, और मैं इसे डिश वॉशर में वॉश करती हूँ, बिल्कुल भी हाथ से वॉश नहीं करती, फिर भी इसका ग्लेज बिल्कुल भी गया नहीं है, वैसे का वैसा ही नया है। ये साइज वाले आनियन बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, इतने बड़े साइज के हैं, देखिए ये साइज हो या मैक्स टू मैक्स, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, तो एक बार में ना ये यूज में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आप सब्जी बना रहे हो तो भी इतना बड़ा कई बार मैं नहीं यूज करती हूँ, तो हाफ यूज करती हूँ, और आनियन को स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अगर आपने कट कर लिया है तो उसको इमीडिएट कंज्यूम करना चाहिए, तो फिर सैलड वगैरह में डालना पड़ता है या रायता वगैरह में, इसीलिए मुझे कोशिश करती हूँ मैं कि ये वाला हो तो अच्छा है। पर हम लोग ऑनलाइन लेते हैं, दुकान नहीं जाते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं जाना, तो कुछ कुछ ऐसे आते हैं और कुछ कुछ बड़े वाले आ जाते हैं, और इनकी ना प्राइस भी थोड़ी ज्यादा होती है ऑनलाइन की। एक बार अंगद बाहर से लेकर के आए थे तो कह रहे थे कि जितने का हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं ना उसका हाफ ना अंगद, एकदम ही हाफ में बाहर में मिल रहा था, और यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है, और ऐसा नहीं है कि वो डोर स्टेप डिलीवरी की वजह से महंगा मिलता है, क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी का अलग से चार्ज करते हैं, तो मतलब प्राइस ही ज्यादा करके रखते हैं, लेकिन वही है मजबूरी है क्योंकि घर पे आ जाता डिलीवर होकर के, बाहर जाने का रिस्क भी नहीं और टाइम भी नहीं होता है, अंदर का दिन भर ऑफिस होता है, तो घर पे ही हम लोग मंगवा लिया करते हैं, पर महंगा आता है, मतलब बाहर में कितने 100 रुपए में 2 किलो दे रहा था, एक जगह अंगद को दिखा था 100 रुपए में 5 किलो, हम लोग लेते हैं 100 रुपए का 2 किलो, राइट? नहीं, 3 किलो जैसा, हम लोग 100 का 3 लेते हैं और बाहर 100 रुपए में 5 किलो, मतलब 2 किलो का नुकसान है, पर क्या करेंगे, आराम से आ जाता है तो मंगवा लेते हैं। आप लोग के साइड में क्या प्राइस है मुझे बताइए, और आप लोग घर में मंगवाते हैं कि बाहर से लेते हैं? बाहर से लेने का एक फायदा और है ना, चूज करके आप ले सकते हैं कि हाँ मुझे छोटा लेना है बड़ा लेना है, पर हम तो लेते नहीं है, अभी 1.5 साल हो गए जब से पीवीडी ली आता है, बहुत ही बार ऐसा कभी रेयर होता है कि बाहर गए और दिखा तो ले लिया, वरना नहीं लेते हैं।
अच्छी बारिश हुई ना वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने देखा, मैं बहुत दिनों से बोल रही थी ना कि लगता है बारिश होगी पर हो नहीं रही है बारिश, फाइनली कल हुई और 2 घंटे के आसपास अच्छी खासी बारिश हुई और काफी अच्छा लग रहा है। उसकी वजह से आज गर्मी काफी ज्यादा कम है, वरना सुबह से ही गर्मी हो जाती है, तो मौसम थोड़ा सा बेटर हो गया है। पर बारिश देख के बड़ा मजा आया, बहुत दिनों से वेट कर रही थी अब बारिश होगी। तो जब बारिश हो रही थी तब मैंने मस्त अदरक वाली चाय बनाई थी। ये देखिए कल मैं ये बना करके रखी थी एक पूरा भर के, ये यहाँ तक था, आप देख रहे हो। जी हाँ, अब तो मुंह छुपाना ही पड़ेगा, ऐसा काम ही किया है। ये जो जहाँ पे आप ये लाइन देख रहे हो ना, यहाँ तक भरा हुआ खीर था जो मैंने कल बनाया था और अभी वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अंगद मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, दिखाओ। हाँ, मुश्किल से ना ये एक बड़ी कटोरी बची होगी। कौन अंगद? आप मुंह दिखाइए अपना। कौन अंगद? कौन अंगद? कौन है यहाँ पे? कल जब अंगद खाना नहीं है यहाँ पे अभी। प्लीज गो। जब मैंने कल बनाया ना तो गर्मा गर्म बना करके टेबल पे रख दिया था, गर्मा गर्म ही। पहले तो उन्होंने बहुत खा लिया, फिर रात को खाया और अभी आई थिंक सुबह के कितने 11 बज रहे हैं और ये देखिए क्या हाल हुआ है। मेरे लिए बचाना। आई नो बहुत लास्ट में बता दूंगा कैसा बना है, बताओ। बहुत ही यम्मी बना है। यम्मी बना है ना। एक्चुअली अचानक से कल मन कर गया, इतना अच्छा मौसम हो गया था ना कल कि खुशी में हमने मुंह मीठा कर लिया। बस अंगद, बस मेरे लिए भी थोड़ा रखना प्लीज। ये थोड़ा है तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे लिए ये इतना रखना, इतना। हाँ, लो। हो गया? नहीं नहीं, मैं अपना खुद डिसाइड करूंगी। मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना कितना दे रहा है। ये लो, इतना मेरा। ये पूरा अभी खाओगे? हाँ। तो मैं लंच नहीं बना रही। नहीं खाऊंगा मैं। लंच भी खाओगे? अंगद का नया हेयर स्टाइल देखा सबने? ये मेरा जैक स्पैरो लुक है, यहाँ से अलग से आ रहा है। शैम्पू कर, इसीलिए बोल रही थी बाल काटने दो, बड़े हो गए हैं। नहीं काटना, इतने बड़े बाल हो गए हैं कि शावर लेने के बाद देखिए ऐसे बैंड लगाते हैं ये, ताकि बाल आंखों पे ना। थोड़ी देर तो एटलीस्ट सेट होने तक तो लगाना ही पड़ता है और इसके बाद सेट हो जाता है, पता है, अच्छा खासा ऊपर चला जाता है। वरना इतने सिल्की बाल है अंगद के कि वो ऐसे नीचे के साइड ही रहता है, नीचे ही रहते हैं यूजुअली तो। पर ये अच्छा लगता है, पता है, लुक तुम पे, पता है, ऐसे करने से ना तुम अपने नाम की तरह दिख रहे हो। नहीं, बंदर नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं। हाँ, पूरी बात सुन लो। अंगद जो है ना वो जनरली ऐसे पंजाबियों का नाम रहता है। हाँ, रहता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे तुम पंजाबी लगते हो। ये पंजाबी लगता हूँ? मुंडा पंजाबी नहीं होता है जो पगड़ी नहीं बांधते हैं? तो जैक स्पैरो तुम्हारा कहने का मतलब था वो पंजाबी है? नहीं अंगद, उनकी शक्ल तुमसे नहीं मिलती है, बस हेयर स्टाइल। मैं इधर से एक गोटी निकाल देता हूँ और यहाँ पे नीड्स लगा देता हूँ, फिर मैं और थोड़ा सुरमा लगा दूंगा तो जैक स्पैरो लगूंगा फिर। लेकिन ये अंगद लग रहे हैं अभी, सच में लग रहे हो तुम मुंडा पंजाबी। मैं और अंगद एक गेम खेल रहे थे और रिसेंटली अंगद को इस गेम के बारे में पता चला और वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था ना कि हम लोग काफी देर से खेल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, इनकेस अगर आप भी बोर होते हो ऐसे घर पे अभी तो आप ये खेल सकते हो अकेले भी और फैमिली के साथ भी। वैसे कोई प्रमोशन के लिए है नहीं, हम लोग लिटरली ये खुद खेल रहे थे और तब आपसे शेयर कर रही हूं मैं। तो बेसिकली इस गेम में होता यह है कि आपको कोई भी एक कैरेक्टर अपने मन में सोचना है और उसके बाद ये गेम आपको बताएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। तो मतलब ये आपके मन की बात पड़ेगा ऐसा वाला
वाला गेम है। पहले जब मुझे अंगद ने बताया मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हमने अलग अलग कैरेक्टर्स पे ट्राई किया और हर बारी ये गेस कर लेता है, तो देखते हैं ऑन कैमरा क्या ये गेस कर पाता है या नहीं। चलिए तो गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगी ताकि थोड़ा सा फनी लगे, और ये जो गेम है इसमें बस सोचना है, ठीक है। तो मैं पहले सोचती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है। इज योर कैरेक्टर फेमस यूट्यूबर? नो। इज योर कैरेक्टर एन एक्टर? यस। डज योर कैरेक्टर हैव एनी किड्स? यस। इज योर कैरेक्टर एसोसिएटेड विद बॉलीवुड? ले। यस। अ मुस्लिम? नो। ओवर 60? नो। अ फीमेल? यस। मैरिड टू एन एक्टर? हाँ। देख रहे, ये वही सवाल पूछ रहा है जो लग रहा है कि उस डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे पता पर उसको सच में? मेरे को ये चीज ही नहीं समझ में आ रही है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है। हाउ डज ही नो? डिड यू कैरेक्टर हैव ओनली वन चाइल्ड? लो। यस। पॉपुलर टीवी शोज? नो। हैव ओनली वन डॉटर? पकड़ लिया। वो क्या वॉज योर कैरेक्टर नंबर वन? मेरे लिए तो है। यस। पकड़ लिया, देखा आपने। ऐश्वर्या राय बच्चन आ गया। चलिए अब दूसरा सोचते हैं। नेक्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इज योर कैरेक्टर अ गर्ल? नो। इज योर कैरेक्टर यूट्यूबर? चैनल तो उनका है। चैनल तो है पर यूट्यूबर नहीं बोल सकते हैं। नो। नो, प्रोबेबली बोल सकते थे। डज योर कैरेक्टर लिव इन इंडिया? यस। Have any kids? No. No. More than 40? Haan. Yes. Muslim? No. No. Politician? Le. Yes. Was your character a prime minister? आप देख रहे हो, चौथा क्वेश्चन इसने प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया। डाई? नो। नरेंद्र मोदी। मतलब ये इतना है, छह क्वेश्चन पूछा उसने। हाँ, सिक्स क्वेश्चन उसने गेस कर लिया। हम क्या सोच रहे, कोई भी नाम ये सोच सकता था। दिमाग में भी है, एक तरीके से हरा सकते हैं। हाँ, चलो फ्रेंड्स का कैरेक्टर सोचती हूँ मैं। फ्रेंड्स कैरेक्टर? ठीक, नो इश्यू। मोनिका? ठीक है, फ्रेंड्स जो सीरियल है ना उसकी मैं मोनिका के बारे में सोचती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो कैरेक्टर है, रियल नहीं है। ओके, इज योर कैरेक्टर फीमेल? यस। मैरिड? हाँ हाँ। इज योर कैरेक्टर फ्रॉम यूट्यूब? मैरिड। Correct. Does your character personally know you? No. I wish. No. Have any kids? Bollywood? No. No. Indian? No. Real? No. Disney? No. Blonde? No. No. Animated? No. TV series? Yes. Yes. Father alive? Yes. Sister? No. 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 White? Yes. Place in New York? Pagal liya. Ho gaya. Yes. Leading roles in Friends? Yes. Monica Geller? Bing. My God, इसको कैसे हराए मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ये कितना ज्यादा माइंड ब्लोइंग है ना। अब अगर तुम सोचो कुछ। हाँ चलो, मैं सोच रहा हूँ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर? हाँ ठीक है, अभी इसमें ऐड प्ले हो रहा है। हाँ। चलिए तो बारी करते सचिन की। उसने जब से क्रिकेट छोड़ा है मैंने भी क्रिकेट देखना छोड़ दिया। और जिस दिन अपना फॉलो नहीं करता। और जिस दिन वो मतलब रिटायर हो रहे थे अंगद। हाँ। बहुत रोया था। मतलब अंगद बहुत ही कम रोता है पर उस दिन। ओके, इज योर कैरेक्टर फ्रॉम अ जापानीज एनिमी? नो। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डज योर कैरेक्टर वॉक ऑन टू लेग्स? या ऑब्वियसली। अ गर्ल? नो। फेमस यूट्यूबर? नो। रियल? यस। मोर देन 40? हाँ। मुस्लिम? नो। डाई? नो। एन एक्टर? नो। प्रोबेबली नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। पॉलिटिशियन? नो। या ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। नाउ? हां। अच्छा? हां। यस। लिव इन इंडिया? यस। प्राइम मिनिस्टर? नो। हैव एनी किड्स? या। यस। लिंक टू साउथ? नो। फैट? नो। नो। बेस्ड इन मुंबई? यस। पकड़ लिया। दिस हैव अ मुश्ता? नो। वर्ल्ड रिकॉर्ड? या। ऑब्वियसली। And there you go. सचिन तेंदुलकर। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको लगे कि ठीक है ये एकदम प्रिसाइसली उनके बारे में है। उन्हीं के बारे में है, पर फिर भी वो कैसे भी करके पकड़ लेता है। बीट नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट एक घंटा से हम लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं। तभी मैंने कहा मैं वीडियो में दिखाती हूं कोशिश में। तो अगर अभी लॉकडाउन के टाइम पे आप भी बोर हो रहे हैं हमारी तरह तो ये गेम खेलिए, ये आपका दिमाग और खराब कर देगा। आपका दिमाग जो कम खराब था ना और खराब कर देगा, और अपने बाल नोचने लगोगे। हमारे साथ वही हो रहा है, हम यही खेल रहे क्योंकि अभी यहाँ पे हो गया है कर्फ्यू, वीकेंड्स को कर्फ्यू है, तो सैटरडे संडे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है।
और बाकी दिन आपको नाइट को कर्फ्यू है, 8 o'clock से स्टार्ट हो जाता है नाइट कर्फ्यू। हाँ वो भी हो जाता है, और वीकेंड को तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, तो बिल्कुल घर पे ही है। वैसे भी जाना सेफ नहीं है, और ऐसे भी जा नहीं सकते, सब लोग आप घर पे रहिए वही और... करिए और क्या। पर अंकल जी कल ऑफिस जाएंगे वो अलग बात है, पर हम लोग सब सेफ रहते हैं। वो तो काम है ना, ड्यूटी बुलाएगी तो वो तो कभी करना ही पड़ेगा। तो कल अंकल को फिर से ऑफिस है, मुझे टेंशन बहुत होती है, और क्या कर सकते हैं, जब तक जाना है जाना है। एनीवेज आप लोग भी घर पे रहिए, ऐसे कुछ गेम खेलिए, हमारे व्लॉग्स देखिए, और क्या करेंगे टाइम पास करेंगे। नया लुक कैसा लगा साइड से, ये जो मैंने निकाला है वो बारिश से बचने के लिए, मेरे कानों में पानी नहीं जाना चाहिए इसीलिए। कैसा लग रहे हो अंकल तुम, बिल्कुल पौध ही दे। निकल गया शिट, अब देखिए बाल। ओह नो अंकल तुम कॉकरोच लग रहे हो। कॉकरोच कैसे, मेरे सींग थोड़ी निकले। नहीं पर फिर भी बालों से लग रहे हो तुम, असलियत बाहर आ गई। वैसे मैंने भी बैंड्स पहना है, मेरे आ भी जाए तो इतना बुरा नहीं लगने वाला। ओ शिट, दिस लुक्स बेटर, या दिस लुक्स मच बेटर। ओके बाय गाइस, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।